अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे आलू मटर का पुलाव। तो शुरू करते हैं। एक कुकर ले लेंगे हम, उसके अंदर हम तेल डाल देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे और हमने बारीक प्याज कट करके रख लिए हैं। ये हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये हमने लौंग, इलायची, काली मिर्च और जीरा ले लिए हैं। 4 से 5 काली मिर्च ली हैं और दो लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 चम्मच जीरा। और ये हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रखे थे, उनको भी डाल दिया है। और ये 8 से 10 हरी मिर्च हमने मोटी मोटी चॉप कर ली थी, इनको भी डाल देंगे और अच्छी तरह से फ्राई होने तक भुनेंगे। और उसके बाद अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक डाल दिया है हमने, 2 चम्मच डाल दिया है। और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा भी आप खाते हैं। और अच्छी तरह से हम इनको भुनेंगे। 1 कटोरी हमने मटर ले लिए, मटर को भी। और उसके बाद में आलू लिए हैं हमने, ये 1/2 kg आलू लिए हैं। आलूओं को हमने गोल गोल पीसेस में कट कर लिया है। और हम सब्जियों को डालने के बाद भी अच्छी तरह से भूनेंगे। और उसके बाद में ये हमने अब हम चावल डालेंगे। ये मैंने 1/2 kg चावल लिए हैं। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अच्छी तरह से मिलाने के बाद में अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें चावल से डबल डालना है। ये 1/2 kg हमने चावल डाले थे, उससे डबल पानी डाल लेना है। नमक अगर कम लगे तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। ये हमने ग्रीन चिली पिकल, जो मार्केट वाला आता है, उसको डाल देंगे अब हम 1 चम्मच। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उबाल आने तक इसको पकने देंगे। और अब हम इसमें ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक पकाएंगे। सीटी हमारी आ चुकी है और प्रेशर खुलने के बाद में अब हमने ढक्कन खोल लिया है और पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।